पुलिस व बदमाश के बीच हुई मुठभेड़, मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली। आपको बता दें कि पूरा मामला उन्नाव जिले से है, जहां पर दिनांक 30/9/2024 को थाना कोतवाली सदर की पुलिस टीम एवं क्राइम ब्रांच टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली सदर क्षेत्र अंतर्गत पीडी नगर मोड़ के पास गोवध निवारण अधिनियम में वांछित अभियुक्त महताब आलम कुरैसी पुत्र अब्दुल रहमान निवासी इकलाक नगर थाना गंगा घाट जनपद उन्नाव से पुलिस टीम की मुठभेड़ हो गई, जिसमें अभियुक्त मेहताब घायल हो गया व एक अन्य अभियुक्त मौके से अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस टीम जुटी हुई है। मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए अभियुक्त को जिला अस्पताल उन्नाव में भर्ती कराया गया है, वहाँ पर उसका उपचार जारी है। वहीं अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें उन्नाव जिले से है, जहाँ पर पुलिस व बदमाश के बीच मुठभेड़ देखने को मिली, जहां पर बदमाश के पैर में गोली लगी है। 30/9/2024 को थाना कोतवाली सदर पुलिस टीम एवं क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली सदर क्षेत्र के अंतर्गत गोवध निवारण अधिनियम में वांछित अभियुक्त महताब आलम कुरैसी पुत्र अब्दुल रहमान निवासी इकलाक नगर गंगाघाट जनपद उन्नाव से पुलिस टीम की मुठभेड़ हो गई, जिसमें अभियुक्त महताब आलम उपरोक्त घायल हो गया, एक अन्य अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। मुठभेड़ में घायल हुए अभियुक्त को जिला अस्पताल उन्नाव में भर्ती कराया गया है, अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।